आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत ने बढ़त हासिल की है। एक समय मिलिट्री इक्विपमेंट में नेट इंपोर्टर इस प्रकार से जिस भारत की छवि थी, उस भारत ने अब मिलिट्री इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ी पहल की है और इंपोर्टर से अब हमारा दर्जा एक्सपोर्टर की ओर चला गया है और करीब हम लोगों ने 1,00,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में करके एक नया रिकॉर्ड तैयार किया है। तो आज हम लोग दूसरे देशों पर हमारे सैनिकों के लिए, हमारे सैन्य के लिए, हमारे सैन्य इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहे हैं, हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट इस प्रकार की फ्रिगेट शिप मजगांव डॉक से जिस समय उपराष्ट्रपति जी ने उसको लॉन्च किया, तो उसमें जो प्रौद्योगिकी हमने देखी, स्टेट ऑफ आर्ट, दुनिया के किसी भी उच्चतम देश की प्रौद्योगिकी से मुकाबला करने वाली प्रौद्योगिकी और तकनीक उसमें हमको देखने को मिली, तो मुझे लगता है कि ये नए भारत का एक चित्र हमको देखने को मिलता है। लेकिन ये नया भारत जो आज बढ़ रहा है, आज जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तैयार हो रहा है, अंतिम छोर तक सड़कें बन रही है, पासेस बन रहे हैं, हमारे सेना की आवाजाही के लिए व्यवस्थाएं खड़ी हो रही है, नागरिकों की आवाजाही के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में हम लोग पासेस बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं, अंडर पासेस बना रहे हैं, हम लोग आज रेलवे का नेटवर्क ले जा रहे हैं। और ये सारी चीजें क्यों हम कर सकते हैं, तो इसका एक कारण है कि भारत ने दुनिया में एक ऐसी पोजीशन आज बनाई है कि भारत की ओर आज टेढ़ी आंख कोई कर नहीं सकता। हमारी सेना ने अपनी ताकत के भरोसे दुनिया को ये दिखाया है कि ये मजबूत भारत है, ये आवश्यकता पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है, ये एयर स्ट्राइक भी कर सकता है और गलवान घाटी में चीनियों को खदेड़ने की ताकत भी यही भारत रख सकता है।